जय श्री राम मित्रों। गरुण जी के 7 प्रश्न और काकभुसिंडी जी के उत्तर। पुनि सप्रेम बोलेउ खग राउ, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहउ बखानी। भावार्थ पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूं बिचारी। भावार्थ हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अग परम कराला। भावार्थ संत और असंत का मर्म यानी भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्धि सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। भावार्थ फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह कथा नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनेउ देही, जीव चराचर जाचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। भावार्थ मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजई न जेनर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। कांच करिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। भावार्थ ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भावार्थ जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान सुख नहीं है। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई प्रसंग को लेकर, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।